हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यदि ये सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं, तो मेरे लिए ये गौरव की बात है। वेद विधि के ज्ञाता आप लोग, जिन भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तब वो कृपा कर दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूं? क्षमा करें महर्षि, मैं वटुक ब्राह्मण की इच्छित धरती अवश्य दान करूंगा, अन्यथा मेरे कारण मेरे पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाएगी। परंतु राजन, क्षमा करें महर्षि, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। अब एक ठग की भांति धन के लोभ से इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा? राजा बलि परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और परम शूरवीर भी थे। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से 100 यज्ञ कराने का अनुष्ठान कराया। राजन, आपको बधाई हो कि आपका 99 यज्ञ भी पूर्ण हो गया। यह सब आपकी कृपा से संभव हो सका है गुरुदेव। अब केवल एक यज्ञ रह गया है, यदि वो भी निर्विघ्न पूरा हो जाए तो आपके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसी समय इंद्रपद सर्वदा के लिए आपका हो जाएगा। तब तीनों लोकों में असुरों का एक छत्र राज्य हो जाएगा गुरुदेव। हमारे ऋतुज, अब 100वें यज्ञ का अनुष्ठान अति शीघ्र करें, क्योंकि हमें विश्वास है कि बृहस्पति अवश्य उसमें कोई ना कोई विघ्न डालने की चेष्टा करेंगे। सृष्टि में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान वामन रूप में अवतार लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में उस समय पहुंचे जब उसका 100वां यज्ञ आरंभ होने वाला था। महाराज की जय हो। महाराज, यज्ञशाला के द्वार पर एक याचक आया है और वो आपसे मिलने की याचना कर रहा है। महाराज यज्ञ का संकल्प करने जा रहे हैं, वो जो भी मांगता है देकर वहीं से भेज दो। महाराज, मैंने उसे मुंह मांगी भिक्षा देने की बात की थी, परंतु वो महाराज के हाथों से भिक्षा लेने की हट कर रहा है। हट कर रहा है? कौन है वो? महाराज, वो एक ब्राह्मण बालक है। बालक तो उसका हट करना स्वाभाविक है। उसे सम्मान पूर्वक यहाँ ले आओ, हम उसकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। महाराज, यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। महर्षि, जब तक बलि के द्वार पर एक भी याचक बाकी अथवा संतुष्ट रह जाए, तब तक यज्ञ ही कैसे आरंभ हो सकता है? जब हमारे राज्य में किसी को भी कुछ भी मांगना शेष न रहे, तभी तो हम यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। आपने बड़ी कृपा की जो हमारी यज्ञशाला में पधारे। अब आप आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें? हे असुराज, मैं जानता हूं कि आप सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे आप ना दे सकते हो, परंतु शास्त्र कहता है कि विद्वान ब्राह्मण को उतना ही दान स्वीकार करना चाहिए जितनी उसे आवश्यकता हो। सो हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है, सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। ब्राह्मण कुमार, बातें तो बूढ़ों जैसी करते हो, परंतु बुद्धि बालकों जैसी ही है। अपने इन छोटे छोटे पैरों से केवल 3 डग भूमि मांगकर आप राजा बलि का उपहास कर रहे हैं। अच्छी बात है, जितनी आपकी इच्छा हो ले लीजिए। तो मंत्रबद्ध होकर दान का संकल्प करिए। राजन, ये आप क्या करने जा रहे हैं? जिन्हें आप सामान्य बटुक कुमार समझकर
तीन पग धरती दान करने जा रहे हैं। वो देवताओं का काम बनाने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेने वाले स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। ये तीन पग धरती में तुम्हारा समस्त ऐश्वर्य, राज्य, वैभव सभी कुछ प्राप्त कर लेंगे और इंद्र को दे देंगे। ये विश्व रूप विराट पुरुष एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे, तब तीसरे पग को आप कहां स्थान देंगे? यदि ये सत्य है कि स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु एक बटुक के रूप में मेरी यज्ञशाला में पधारे हैं, तो मेरे लिए ये गौरव की बात है। वेद विधि के ज्ञाता आप लोग जिन भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए यज्ञ तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, तब वो कृपा कर दर्शन देते हैं। ऐसे भगवान विष्णु द्वारा साक्षात याचना करने पर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? परंतु राजन, क्षमा करें महर्षि, मैं प्रहलाद का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब एक ठग की भांति धन के लोभ से इस ब्राह्मण से कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा? तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। मुझे आपका श्राप स्वीकार है, परंतु मैं अपने वचन से नहीं फिर सकता। श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो प्रथम पराध्ये श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशति तमे युगे। मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूँ कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित तीन पग धरती दान करता हूँ। ब्राह्मण देवता अपने पैरों से तीन पग धरती नाप कर ग्रहण करें। दैत्यराज बलि, तुमने मुझे तीन पग भूमि देने का वचन दिया था। दो पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, परंतु अभी तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा। इसलिए तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। तुम्हारा वचन झूठा हो गया। नहीं भगवान, मैं अपने वचन को सत्य करके दिखाता हूँ। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए। बलि, तुम सचमुच तृण प्रतिज्ञ हो, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। गुरु के श्राप और हमारी माया से भी भयभीत नहीं हुए। सब कुछ खोकर भी तुमने अपना वचन पूरा किया है, अतः हम तुम्हें वो स्थान देते हैं जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी प्राप्त करना कठिन है। सावर्णी मनमंत्र में तुम्हें मेरे परम भक्त इंद्र का पद प्राप्त होगा। तब तक तुम सुतल लोक में अपने दादा महाराज प्रह्लाद के साथ आनंद पूर्वक निवास करोगे। तुम मुझे वहां सदा सर्वदा पास ही देखोगे। गुरुदेव, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो चाहें तो केवल संकल्प मात्र से ही दुष्टों का नाश कर सकते हैं। फिर उन्हें इस प्रकार धरती पर स्वयं आने की क्या आवश्यकता है? उनकी इन लीलाओं को देखकर संसार के हर प्राणी के दिल में ये विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उसका कोई रखवाला है जो उसे हर संकट से बचा सकता है। यही विश्वास प्राणी को अपने धर्म पर दृढ़ रहने की शक्ति देता है। यही है भगवान की अवतार लीला का मुख्य उद्देश्य और यही है उनकी लीलाओं को सुनने सुनाने का मुख्य प्रयोजन।